हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज दीपावली, और दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर चल रहे दीपावली में झल्लर लगाने की तैयारी, लेकिन है ना, खराब हो चुकी है झल्लर। चप्पल पहनो, आप चप्पल पहन के करो। इस बोर्ड में लाइट भी नहीं है, लाइट तो थी, इसमें चार्ज नहीं लगाते हम। सब बच्चों को है ना दीपावली का इतना उमा हो रहा बहुत ज्यादा। और ये देखो हमारी झल्लर निकालो, ये वाली झल्लर जो है इधर लगाई है, ये वाली बड़ी सुंदर लग रही है। कितनी सुंदर लग रही है झल्लर, इधर भी लगाई है अपने कमरे के मेन गेट पर, ये वाले लगाई है। काफी देर से लगने के बाद में आखिर कन्नू के पापा सक्सेसफुल हो ही गए हैं, जला ही दिया इन्होंने अपनी ये जो झल्लर है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है झल्लर जलने के बाद में। कलर चेंज हो रहा है, कभी पिंक, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी रेड। आराम नहीं कर सकते का। तो बैठक के बाहर से झल्लर लगानी शुरू कर दी थी और यहाँ तक आ गए हैं। बेइज्जती हुई है किसकी? हुई बेइज्जती कन्नू की। तो अभी बस झल्लर लगने लग रही है इधर से, कहाँ तक या पूरी चली जाएगी? इसमें थोड़ी सी कटिंग भी कर दी ना। इधर दोनों बहनें मिलके रंगोली बनाई जा रही है, और रंगोली जो बन रही है वो सबसे सुंदर मुझे वानिका की लग रही है। किसकी लग रही है? वानिका की रंगोली लग रही। तो ऐसी रंगोली बनानी है इनको देख देख के ऐसी। तो भाई वानिका, वानिका, वानिका बनाती है रंगोली अपने हाथों से, नन्ने नन्ने हाथों से रंगोली बनाती है वानिका। पूरे घर की डेकोरेशन हो गई है, और मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितनी सुंदर लग रही है डेकोरेशन होने के बाद में। पूरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे साफ सफाई तो हमने कितने दिनों चल रही, कम से कम 10-15 दिन से साफ सफाई चल रही, और आज हमारी खत्म हुई है साफ सफाई। सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं खाने में हमने क्या क्या बनाया है, और वानी का यहाँ पे पूरा इंजॉय कर रही है दीपावली को। मैंने कैंडल लगाई थी सारी की सारी, और सारी की सारी इसने बिखेर दी। मंदिर भी लगा दिया है आज अंशी ने और अक्षित ने, दोनों ने मिलकर के मंदिर लगाया है। कन्नू के पापा लाए हैं, देखिए कितने सुंदर दिए हैं कन्नू, और ये मंदिर सजा दिया लगाने का। क्या सबके यहाँ लगाते हैं एक दिया, और भी मिट्टी के दिए ले रखे हैं बहुत सारे। मैंने हलवा, बेसन का हलवा बनाया है, ये देखिए। काजू बादाम बाद में डालो, किशमिश मैंने डाली दी है इसमें अंदर। तेल चढ़ा दिया है, और इधर आज मैंने बनाया है खीरे का रायता, खीरे लिए थे, और इसमें बनाई है आलू गोभी की सब्जी। पापा अच्छे हैं, और यहाँ पे नारा लगने लगा है पापा अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी है, मम्मी अच्छी, मम्मी अच्छी है, नीचे उतार दो, मम्मी अच्छी है, नीचे उतार दो। देखो अपना काम करवाने के लिए वानिका के लिए मम्मी भी अच्छी हो जाती है, नहीं तो पापा अच्छे हैं हमेशा। पहले वाली लाइट है ना झल्लर है, वो थोड़ी सी खराब हो गई है, इसलिए कुछ लाइट जल रही है उनके, कुछ लाइट जल नहीं रही। रेड वाली पहले तो जल रही थी, लेकिन अब बंद होगी वो रेड वाली भी, और ये देखें कहीं कहीं से जल रही है। और बच्चे जो है पूरे खुश। फ्रॉक निकाल दिया है इसका फुल्ला फुल्ले से वाला, और ये इसमें बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन वानिका ये कह रही है चुभेगा चुभेगा चुभेगा, और एक कलर उठा कर लेकर के आ गई, रंगोली बना रही थी ना जैसे हंसी, उसके रंगोली पे हाथ फेर देती है ये, तो ऐसा समझा रही थी मैं, बेटा ऐसे नहीं किया करते बिल्कुल भी। वानिका रंगोली के साथ साथ अपने हाथ में रंगोली बना रही है। वानिका हाथ दिखाना अपने, कैसे हो रही है हाथ दिखाना अपने, इसके हाथ कैसे हो गए, अच्छे हो गए? नहीं हाथ भी मेरे जिज्जी को हो गए रंगोली बनाते बनाते, पर वानिका रंगोली बना के रहेगी और रंगोली बना के ही हटेगी। तो जो कन्नू है इसे रंगोली से मतलब नहीं, इसे पटाखों से मतलब है। वानिका वानिका ही वानिका को चाहिए पिंक कलर, वानिका चाहिए, हाँ वानिका को चाहिए, हाँ हाँ हाँ। लिया है अपनी कलम और बनाने लगी है रंगोली, और पिताजी देख देख के ना खुश होते घूम रहे हैं कि भाई कैसे कैसे बन रही है रंगोली या क्या बन रही है। पर पिताजी अपने उधर न्यूज़ देख रहे हैं अच्छे से कि कन्नू के जो ताऊजी है वे कब आएंगे ड्यूटी से और कब जाके पूजा होगी। हाँ आपके ताऊजी, हमारे ताऊजी नहीं है, आपके ताऊजी है। किसके ताऊजी है? मेरे ताऊजी। तो अपने ताऊजी का इंतजार कर रही है, सब बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर भी जो सज गया है ना, वो मंदिर की जो सजावट है वो कर दी है उधर पूजा करने के लिए। और ये जो झल्लर है इधर इस तरह की लगी हुई है, और यहाँ पर कुछ थोड़े और ज्यादा सी लगा दी है। छोटे हैं? छोटे हैं। हाँ मतलब बना दो मैं, अच्छा रही आधी 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 आधी। वानिका खुद बताएगी कि मैंने रंगोली कैसी बनाई है। वानिका कैसी रंगोली बनाई है आपने बताओ। अभी वानिका हमें नहा दोगे, तैयार भी होना है पूजा करने के लिए, है ना?
हाँ तुम इसकी मम्मी के ना खराब करो मम्मी के ना बनाओ, अपने अपने बना लो तुम बस। है तुमने दीदी की तो बनाई थी, बस बस फोटो खींच लो तेरा एक, ठीक है ना। बहुत अच्छा भाई वानिका, आपका फोटो बहुत अच्छा आ रहा है। तो वानिका की ऐसी रंगोली बनी है, बहुत प्यारी रंगोली बनी है। हैं छोटी है हाथ है तो छोटी रंगोली बनाई है वानिका ने। और बॉबी ने भी रंगोली बना के तैयार कर दी है भाई, ये वाली। हैप्पी दिवाली, दीपावली, हैप्पी हैप्पी आ जाते हैं वाली। तो मैं सभी में कलावी बांध रहा हूँ, जो जो नए सामान है, नए बर्तन है ना, उनमें कलावी बांध रहा हूँ। और वानिका ने मोमबत्ती भी भगवान जी करके लगा दी है, राम जी करके मोमबत्ती लगा दी वानिका ने। अब हाथ जोड़ो ऐसे, भगवान जी, भगवान जी मोमबत्ती पीछे जला दी। चल जाओ, तो कमरे में हाथ जोड़ेगा और बनवाने की चीज। और बोलो राम राम जी, वानिका बोलना राम राम, तो लहंगा बहुत बड़ा फैला ले सर। वानिका बोलो राम राम जी, हाथ भी जोड़ती है वानिका, अच्छे अच्छे काम भी करती है वानिका। बोल जय भी बोलती है वानिका, माँ राम भी बोलती है वानिका। नहीं तू बैठ जाएगी, मुझे बता क्या करेगी तू कन्नू, उधर बैठ, पापा के पास जा गए। चल वो जा, आगे मार ली है, उधर बुला, जा 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 दी अंश जा। अरे भाई क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जा चोर के दरवाजे पर खड़े हो गए। आओ 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 भाई, क्या हो रहा है, चलने भाई हम भी चल रहे हैं। लो भाई ले, भाई आगे सब डालो आगे। हमारी और वानिका की पूजा हो गई है पूरी, और अब हम पूजा जो कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो है ना वानिका, अब हमें ना मानती नहीं है, मुझे वानिका कभी कभी बहुत लड़ आते हैं। तो भाई वानिका तो जो है पूजा हो गई है, और अब हम चलते हैं और ये जो है दिए जलाते हैं, सबके घर घर जाएंगे, अपने घर भी दिए लगाएंगे, जितने भी यहाँ पूजे हैं वो सब दिले के लगाने की शुरुआत कर रही है। तो इधर जो विभोर है ये सब तैयार है ये काम करने के लिए, और वानिका तो चली गई खैर उठ के अभी खाना खाने के लिए। बात कर दिया है मिठाई बांटने की, तो अक्षय तब मिठाई बांटेगा, सबको मिठाई खिलाएगा, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है मिठाई खिलाने के लिए। और अंशी इधर जो है दीवे लेके चल दी है लगाने के लिए और घरों पे लगाने के लिए। तो चलिए भाई पिताजी के पास जा रहे मिठाई लेके, पिताजी को देखा और इधर अपनी मम्मी को मिठाई खिला दी है। चलो माँ को देते मिठाई। अभी इसी भी आई थी दिए लगा के, और वह जा रही है अभी इसी दीवा लगाने के बाद में, और अब ये घर घर दिए लगाएंगे सबके, अपने आस पड़ोस में सभी के यहाँ। वानिका जो है वो कर रही है कुछ ना कुछ काम, अब आके पास खड़े हो गए मेरे और कह रहे कि हेलो, और दिए जला के हैंड टू हैंड खाली रख के बिना जलाए के लिए, फिर बुझ जाते हैं जब हवा में चलते हैं। और जो अंशी है उसने अपने दिए जला लिए सारे के सारे, देखो क्या कर रही है अंशी के दिए जल गए हैं। और इधर ये मिठाई खिला दे, सबको मिठाई खा ली है, अब इसी मिठाई खाएगी, अब इसी मिठाई दे दो भाई, अब इसी भोग लगाओ मिठाई का। क्या खाएगी, पीले वाली बर्फी है, गोले की है और रसगुल्ले हैं। ये हैप्पी दीपावली अब इसी। और इधर जो है खाना लगभग सारा तैयार है, क्योंकि खाना बनने के बाद ही पूजा शुरू हुई थी, और ये खाना खाने के लिए
अब यहीं बैठेंगे और खाना खाएंगे। अभी इसी फिर से बाहर चली गई है और पहले खाएगी मिठाई। तो जी फिलहाल अभी करेंगे भोजन, भोजन भी जरूरी है क्योंकि सुबह से लगे हुए काम में सभी लोग तो भोजन कर लेते हैं। और अभी फिर भोजन के बाद हम करेंगे धूमधाम के पटकाटे पटकाएंगे कन्नू का जो अभी वो है सौ को खत्म नहीं हुआ है, उसको जो पूरा है वो हमें करना है आगे, क्योंकि वो तो छोटे मोटे पटाखे बार बार पटका रहे हैं, तो बड़े वाले पटकाटे उसके साथ मिलकर हमें पटकाएंगे और अपने साथ जलवाएंगे उससे। जब उसका जो सौ है थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ मन भर गया मेरा, जब तक हम मानेंगे नहीं जब तक पटा रहे हैं जब तक उसका मन नहीं भरेगा कन्नू का कन्नू ने ना पूरे के पूरे जो है ना जो बड़े वाली चक्री, हाँ फटाफट कन्नू चक्री लगा के दे रहा है और वानिका और हम सब देख रहे हैं बैठे हुए। और हमने बहुत सारी चक्री ला रखी, बहुत सारी जलेंगी चक्रियाँ, तो वानिका चक्रियाँ देखेंगी। वानिका मुंह में नहीं देते पटाखे हटा दो, चलो इधर जलाएंगे आपके, इधर यहाँ जलाएंगे। तो ये तो अनार है, घूम नहीं पाया। जब कन्नू ने वानिका कानों पर हाथ रख लेती है जब पटाखा पटकता है बहुत ज़्यादा जोर से, और इधर ये भी आ गई है आर्यांश वेदांत, इनके भी पटाखे चल रही है। वानिका को भी दो पटाखा, वही पटकाएगी वानिका भी। तो भाई अब चलेगा अनार बम चलेगा, बढ़िया पकड़े वाला, बड़े वाला अनार बम चलेगा, चलो। और वो अनार बम पटकता भी है बहुत तेजी से। तो भाई ये अनार में है जो इसको जलाएगी वो भी, और वो भी डरते डरते जलाएगी। अनार पटक भी है वो, ये कन्नू ठीक कह रहा है तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहना है, पटकता नहीं है भैया पर ये खिलता भी है। और इसको जलाने का तरीका होता है फूल जड़ी से जलता है। तो भाई हट जाओ पटकेगा, हट जाओ पिछड़ जाओ। ए ये देखो पीछे रहना चाहिए बमों से बहुत ज़्यादा। तो अब कन्नू है जो फुलझड़ी कन्नू जलाएगा है नहीं, पर कन्नू पर हाथ रख लिए वाने का, बहुत तेज आवाज़ हो रही है भाई। अब बच्चे तो कन्नू के हाथ से फुलझड़ी जलवाई जा रही है ये वाली, और वानी का इधर देखो, वानी का कान पे आ गया फुलझड़ी जलाने के लिए भी। चप्पल इसलिए पहन ली है, चिंगारी है पैर पे भी लग जाए तो जल गई है। और अब ये इसमें लगाएगा रॉकेट में आग, बस बस हट जाओ। ओ भाई वो चला गया ऊपर रॉकेट, तो रॉकेट लग गया है और फुलझड़ी भी जल रही है, रॉकेट चला गया अपने स्थान पे। तो भाई और भी पटाखे है क्या, और भी है कहाँ है, इसके खत्म हो गए। और आ गया वेदांश का, वेदांश भी जलाएगा। हे भगवान वानिका, हे भाई भाई रे, वानिका कह रही भाई भाई रे, इतना आवाज हो रही है आज, भाई भाई मान जाओ भाई। तो ये जो फूलझड़ी है अच्छी तरह से सूखी नहीं है, जैसे बहुत देर में जल रही है, चल गई है भाई। चलो 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 भाई, वह आर्यांश ने भी फूलझड़ी लटका दी है। हरियांश रॉकेट में लगा दे भाई, परुक मुँह करके रॉकेट का, नहीं परुक मुँह करो, चलो लगा दो और लगाओ क्यों करो। तो भाई हरियांश रॉकेट में लगा दिया, रॉकेट ऊपर गया भाई, जंगल में जा लिया रॉकेट। तो भाई ये है शॉट और देखते हैं ये कैसा चलेगा। ना फूट गए एकदम से, इतनी तेजी से जो जला है पहली बार, तब बड़ा पटाखा पटाख दिया। चलो खैर यहाँ से आके पटाखे पटकाने भी पड़ गए वाने को। और कहाँ जा रहे बच्चों भाई, है वो जो है फेस्टिवल पे ना पूरा मजा आ रहा है और पूरा डांस चल रहा है, खूब इंजॉय कर रही है वाने का। पटाखों से भी मन लगा, पूजा भी अच्छे से हुई, खाना भी खा लिया, अब वानिका का मन है रंगोली पे डांस करने का। अच्छा इसकी साउंड, और ये भाई साहब अपने पटाखे में आग लगाता है और ये तिल्ली बम फाँक देता है और यहाँ से पटकता है ये बहुत तेजी से, हाँ, और सबको डराता रहता है।